हाथ में दिया जा रहा है। तो ये हमारे अब उस समय जो थे उस समय के लोग क्लियर कट संविधान का उल्लंघन हो रहा है। संविधान में तरतूद है लोक कल्याणकारी राज्य असं तरतूद है। भांडवलशाही एक पार्ट असू सकते हैं। जो सरकार के जो में रहने वाले लोग हैं वो बोलते हैं कि हम तो सरकार संविधान को बदलने के लिए देश के अंदर में सत्ता में आए, फिर क्या बताएं? तो घर से निकाल के मारेंगे अगर संविधान बदलने की बात करेंगे तो। देश के अंदर में पेंशन ये कोई मुद्दा नहीं लगता सर, क्योंकि राम राज्य हिंदू राष्ट्र ये बात चल रही है। कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है हमारा, भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, सभी धर्मों को मान्यता है, सभी धर्मों को मान सम्मान है। आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे फिर आप? मांगे तो इस बार पूरी होगी, नहीं तो सत्ता परिवर्तन करेंगे। इनको वोट के माध्यम से हम दिखाएंगे कि कैसा होता है। ये सत्ता में जो बैठ के इनको चर्बी चढ़ गई है। दुखी कांग्रेस ने जो पेंशन लागू करने की बात थी वो नहीं किया, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी सरकार में अभी है, वो करना नहीं चाहती, तो किसको आप विकल्प मानते हैं कि आपके तमाम मांगों को माना जाए? आएगा ना, मिनिमम है ना, BSP पार्टी है और समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, बीजू जनता दल है और बहुत से छोटे छोटे पक्ष है, वो सब मिल के बनाएंगे। तो जय भी, मैं हूँ पराग महेंद्र और आप देख रहे नेशनल चौपाल। जिला अधिकारी कार्यालय के सामने हम लोग इस वक्त मौजूद है गोंदिया के अंदर में, जो कि कहीं ना कहीं एक बड़ा जमावड़ा आपको देखने को मिल रहा है। मेरे आसपास आप देख पा रहे होंगे तमाम ये कर्मचारी वर्ग है जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर में आंदोलन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि किस प्रकार जो पेंशन है ये लागू होना चाहिए, और पूछेंगे जानेंगे क्या जरूरत है इस प्रकार के आंदोलन की, क्यों ये आंदोलन कर रहे हैं और क्या इनकी मांगे है। सर कहाँ से है, क्या नाम है और क्यों ये आंदोलन कर रहे हैं? ये जूनी पेंशन के लिए आंदोलन शुरू है, और ये जूनी पेंशन सिर्फ जूनी पेंशन नहीं है, इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। जो अभी जो कर्मचारी जो भर्ती कर रहे हैं वो खाजगीकरण कर रहे हैं, और ये खाजगीकरण अगर किए तो गरीब जो शेतकरी जो वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, इनके जो लड़के हैं इनको नौकरी नहीं मिल पाएंगी। ये जो अपने बलबूते पर अपने जो मेहनत से जो पढ़ाई करेंगे, ये पढ़ाई करके नौकरी पा सकते हैं, और ये इस सबके लिए ये हम लोग आंदोलन के लिए उतरे हैं। ये जब हम देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट सेक्टर अभी हमको दिख रहा है 2% नौकरियां बची हुई है, क्या लगता है कि 2% नौकरियों के अंदर में भी आप ये जो आंदोलन कर रहे हैं कितना आप जायज है इस प्रकार का आंदोलन? 2% नहीं, वो सिर्फ है ना वर्ग क और ड, ये कंत्राट के हिसाब से गवर्नमेंट ने भर्ती भरना चालू किए थे और वो सक्सेस हो रहे हैं ऐसे, यानी पैसा बचाना करके ऐसे ये सोच रहे हैं। पर ये जो है ना जो कुछ संगठनाएं है, 8-10 संगठना है, उस संगठना के माध्यम से जो भर्ती यानी वो मैन पावर लेना चाहते हैं, और ये बाकी सब बंद करना चाहते हैं, यानी नौकरी नहीं अभी, यानी सरकारी कर्मचारी कोई लगेगा नहीं, ऐसा ये सरकार का ध्येय है। सर क्या बताएंगे कहाँ से? मैं हमारी एक ही डिमांड है कि जो OPS है, ओल्ड पेंशन, जैसे एक आमदार एक खासदार जो होता है, एक बार वो चुन के आया तो उसको वो पेंशन का लाभ मिलता है। इवन वो 5 दिन के लिए भी चुन के आया, उसने राजीनामा दिया तो पेंशन का हकदार हो जाता है। वैसे ही जो 2005 के बाद से जो कर्मचारी नियुक्त किए गए महाराष्ट्र राज्य में ऑल ओवर इंडिया में, तो उनको एक ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि 58 ईयर्स जब कंप्लीट हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद आने वाली समस्या बहुत बिकट होने वाली है। क्योंकि मोस्टली कर्मचारी 2005 के बाद के जो कर्मचारी है वो 2040 तक रिटायर होंगे, और 40 में उस समय उनकी हालत क्या होंगी, अभी से इतनी महंगाई बढ़ चुकी है तो 2040 में कितनी तफावत रहेगी, इसी के लिए यह आंदोलन जारी है। हम जब देख रहे हैं कि सरकार का ये कहना है कि हम तो 2 करोड़ रोजगार भी लगातार दे रहे हैं, तमाम युवाओं को हम नौकरियाँ दे रहे हैं, क्या बताएंगे इसके लिए? सर ये पूरी तरह यानी ऑलरेडी नहीं क्या 2-3 लाख कर्मचारी अभी लग रहे हैं अकेले महाराष्ट्र में, तो उतनी तो भर्तियां नहीं हो रही, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे अभी भर्तियां होने, आज ही मैंने न्यूज में सुना क्या समस्या हो गई कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर, तो निजीकरण हो रहा है, सभी अडानी अंबानी को दिया जा रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसके पीछे? यही रीजन होने वाला है सर, फिक्स पेमेंट पे, फिक्स सैलरी पे आपको जॉब करना पड़ेगा। मुझे बताइए, जहाँ पर अगर किसी काम को करने के लिए सरकारी कर्मचारी को 40,000 रुपये देना पड़ रहा है, और वही 10,000 रुपये में अगर 4 लोग रख दिए जा रहे हैं, तो इसमें क्या समस्या हो जा रही है आपको? उसमें सर यही समस्या होने वाली है कि जो 4 कर्मचारी रखेंगे बराबर है आपका 10,000 के मान से, लेकिन महंगाई तो रुकने नहीं वाली, वही कर्मचारी बाद में डिमांड करेंगे कि हमको कंटिन्यू करो करके, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे जो भी है
उनको तो समस्या आने वाली है क्योंकि महंगाई तो कम होने नहीं वाली है इन फ्यूचर। अच्छा, ये जो कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन है, खास तौर पर किस वर्ग के किस कैटेगरी के लोग यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं? पूरे सर कर्मचारी है, ये पूरे टोटल महाराष्ट्र के हर क्षेत्र के हर विभाग के पूरे कर्मचारी इस आंदोलन में है, और ये कोई किसी के पक्ष के लिए नहीं है, किसी के लिए नहीं है, ये सब पूरे कर्मचारी एकजुट हो गए है और पूरे विभाग के कर्मचारी यहाँ पर आंदोलन में है। और भी काफी सारे लोग हैं सर, कहाँ से है, क्या नाम है, आंदोलन में है आप? हाँ, कलेक्टर ऑफिस गोंदिया जी, बताइए क्या है मांगे आपकी? जूनी पेंशन योजना लागू करने को ना, अगर उसमें अगर जो एनपीएस है हमको, एनपीएस और डीसीपीएस, तो उन्होंने भी जो आमदार खासदार है उन्होंने भी उसके ऊपर स्टडी करने को ना, जब हमको लग रहा है कि उसमें हमारा लॉस है तो उनको जूनी पेंशन योजना क्यों हुई फिर? आपको बताइए कि ये जो पेंशन लागू करने के लिए इतनी आपको मेहनत करने की जरूरत क्यों पड़ रही? गवर्नमेंट के कारण और किसके कारण करनी पड़ती? क्यों नहीं चाहते वो तो वो आपने ही उनको बनाया। उन्होंने अपने लिए ना जूनी पेंशन योजना लागू करके रख दी है और हमारे लिए नई पेंशन योजना लागू कर दी है। जो किसके वोट के माध्यम से बने वो? वो तो उनकी किसके वोट के माध्यम से आमदार खासदार बने? वो तो आम जनता के ऊपर से बने है ना। तो फिर आपकी समस्या की क्यों नहीं समझ रहे? अब उन्होंने स्टडी से नहीं किया तो हम क्या बोलेंगे? वो अगर अच्छी बात के लिए अगर स्टडी नहीं करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? अच्छे विचार अगर उनको पसंद नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो ये आंदोलन क्या लगता है सक्सेसफुल होगा, बनेगा, मिलेगी पेंशन, मिलेगी? 100% लगता है। और भी काफी सारे लोग हैं सर, पेंशन इस आंदोलन में है आप? हाँ जी हाँ, बताइए क्या मांगे? मैं विदर्भ शिक्षक संघ से हूँ सरकारी, ये डिमांड यह है कि वह हमारे को जूनी पेंशन लागू होना चाहिए। यदि हमको पेंशन नहीं देते तो आमदार खासदार को जो पेंशन मिल रही है उनको जो पगार मिल रहा है उनका बंद होना चाहिए। आप अभी कितना उम्र है आपका? मेरी 54 साल कंप्लीट है। अच्छा, अभी कुछ समय बाद आप भी रिटायर हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे। तो कब का नौकरी था आप? मेरा 2003 का। अच्छा। जबकि मेरे को भी पेंशन लागू है, लेकिन मेरे को लागू है लेकिन मेरे किसी और भाई को क्या है ना। जब आप एक तरफ अपने लिए लागू कर रहे हो तो सामान्य जनता को क्यों नहीं? क्योंकि ये जो कर्मचारी है, राज्य कर्मचारी है, किसी ना आमदार खासदार का लड़का है ना कोई किसी का लड़का है, या किसी ठेले वाले का लड़का कर्मचारी है, किसी सब्जी वाले का लड़का ठेकेदार, किसी मिस्त्री का लड़का, किसान का भी बेटा कर्मचारी है ना। ये जो कर्मचारी है सर्वसामान्य जनता के लिए, सर्वसामान्य जनता के लिए कर्मचारी संगठनाएं मैदान में उतरी है। और भी काफ़ी सारे लोग हैं, उन सभी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है और काफ़ी एक बड़ा प्रवर्ग है, बातचीत करेंगे सर, बताएंगे क्यों ज़रूरी है पेंशन। हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं ये पेंशन को लेकर क्यों आंदोलन करने की ज़रूरत है? पेंशन को लेकर के आंदोलन करने की क्यों ज़रूरत है? भैया ऐसा है कि आज तो हम कमा खा रहे हैं बराबर है, लेकिन वृद्धावस्था में जिस समय वास्तव में तबियत पानी खराब होती है और जिस समय बच्चे लोग साथ नहीं देते परिवार को, उस समय वास्तव में पेंशन की ज़रूरत है। अब कैसा जितना अब नदी का बहता हुआ पानी भी तो गर्मी के दिनों में सूख जाता है, तो आज हम जितना कमाते हैं जरूरत के हिसाब से खर्च हो ही जाता है, और जब वृद्धावस्था में जब हम कमाना बंद कर देंगे, और जो योजना शुरू थी उसको बंद करने की गरज ही क्या थी भैया? नियोजन कुछ और। किसने बंद की थी योजना सर? किसने बंद की थी वो तो सवाल ही नहीं है, अब कौन चालू करेगा ये सबसे बड़ा सवाल है सर। अब जिस समय से किसका काम होता है ये चालू करना? किसका काम होता है? तो शासन का काम है भैया। क्यों नहीं कर पा रहे सर? क्या क्या उनकी मंशा नहीं है आप लोगों को सुखी देखने की? सर उनकी मंशा क्या है उनके विषय में मैं नहीं बोल सकता है ना। कैसा है, हमको जो चाहिए वो हम मांग रहे हैं, अभी उनका नियोजन है कि वो हमको कैसे देते हैं या नहीं देते हैं, लेकिन हम तो मांग रहे हैं, हमारी ज़रूरत है, मांगेंगे भैया। अभी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो हमको क्या देना चाहते हैं और क्या नहीं देना चाहते, लेकिन हमारी ज़रूरत। और भी काफ़ी सारे लोग हैं सर, बताएंगे क्या क्या मांगे हैं, क्यों ज़रूरत है पेंशन की, ये सब आंदोलन करने की? आमचं महातार, हम जब रिटायरमेंट हो गए तब हमारा करने वाला कोई चाहिए ना, और ये तो पैसा हमारा ही जमा होता है ना पेंशन में, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं देना चाह रही? गवर्नमेंट अपने जेब से देता है। गवर्नमेंट कहाँ से, आधा पैसा तो हमारा रहता है ना। तो आपका ही पैसा आपको ही नहीं दिया जा रहा है? जो कल्याणकारी घटने मजे दे तरतूद आहे राज्याची, कल्याणकारी राज्य म्हणून
ते हे भांडवलशाही कड़े अर्थव्यवस्था नेता है। इनका कहना है कि जो निजीकरण के चलते जो पेंशन लागू नहीं करने का एक षड्यंत्र कहने के चल रहा है ना, हमारा जो पूरा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में खासतौर पर मराठी बोली जाती है, सर बताएंगे कहाँ से क्या जरूरत है पेंशन इस आंदोलन की? पेंशन कैसा है, ये उद्धव काल की पेंशन जो आदमी रिटायर्ड होने के बाद उनको जरूरत है, यानी कर्मचारी काम नहीं कर सकता इसीलिए पेंशन जरूरी है। जैसे कोई आदमी वृद्ध हो गया तो उसका लड़का उसका पालन पोषण नहीं कर रहा है तो उसके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा ये बताइए कि कहा जाता था एक समय के अंदर में कि गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, आप गवर्नमेंट नौकरी के अंदर में है और प्राइवेट नौकरी भी देश के अंदर में चल रही, तो दोनों के अंदर में क्या अभी कुछ तो बराबर ही या फिर क्या समानता बनी हुई? कैसा गवर्नमेंट नौकरी कैसी है जो यानी हक की है, प्राइवेट में जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट बेस में यानी खाजीकरण हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी को मिलेगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट 50,000 में देता है तो कॉन्ट्रैक्ट वाले वो जो नौकरी वाला उसको आधा पैसा देगा और आधा यानी कॉन्ट्रैक्ट वाला लेगा, तो इसके कारण वो जो यानी पैसा पूरा मिलना चाहिए वो यानी वो एक नौकरदार को नहीं मिलेगा। इसीलिए गवर्नमेंट जो अपने घटना में लिखा है नौकरी के लिए कि स्टेप बाय स्टेप, वो ऐसा नहीं होगा, खाजीकरण में खच्चीकरण होगा। अच्छा खबर तो ये भी निकल कर आ रही है कि जो 70,000 जो कर्मचारी है ना, 70,000 जो कर्मचारी है उनको नया निजीकरण के तौर पर लिया जा रहा है और बाकी जो कर्मचारी है 75,000 वाली बात आ रही है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मात्र 75 साल ही हुए अभी हमारा देश आज़ाद हुआ, तो 75 साल पहले इंग्रज व्यापारी जो सरकार थी उससे हमने स्वतंत्रता प्राप्त की है और फिर वापस हमारे देश में अब व्यापारियों की सरकार बैठाना जा रहे हैं, तो ये बराबर है क्या, योग्य है क्या? व्यापारी वर्ग जो है ये करना क्या चाहता है? आप विचार कीजिए एक बात थोड़ा सा कि व्यापारियों की सरकार हमारे देश में थे तो कितना लंबा आंदोलन चलाना पड़ा, 1885 को कांग्रेस की स्थापना और 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, यानी हमको कितने साल लग गए, 47 और 15 52 साल लग गए उनसे आज़ाद होने के लिए, हालांकि अंग्रेज लोग आए उससे पहले लेकिन आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ है कांग्रेस के स्थापना के बाद, यानी कम से कम 62 साल लगे। अब हमारा देश वास्तव में अब फिर से वापस में व्यापारियों की सरकार के हाथ में दिया जा रहा है, तो ये हमारी अब उस समय जो थे उस समय के लोग क्लियर कट संविधान का उल्लंघन हो रहा है, संविधान में तरतूद है लोक कल्याणकारी राज्य असा तरतूद है, भांडवलशाही एक पार्ट असू सकते हैं। जो सरकार के जो में रहने वाले लोग है वो बोलते हैं कि हम तो सरकार संविधान को बदलने के लिए देश के अंदर में सत्ता में आए, फिर क्या बताएंगे वो तो मानते ही नहीं सरकार संविधान, तो उनको घर से निकाल के मारेंगे अगर संविधान बदलने की बात करेंगे तो। देश के अंदर में पेंशन ये कोई मुद्दा नहीं लगता सर, क्योंकि राम राज्य हिंदू राष्ट्र ये बात चल रही है, क्या बताएंगे? कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, हमारा भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, सभी धर्मों को मान्यता है, सभी धर्मों को मान सम्मान है। और ये आंदोलन के माध्यम से जो आप बड़ा एक कहने के महाराष्ट्र के अंदर में देखने को मिल रहा है, आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे फिर आगे? मांगे तो इस बार पूरी होगी, नहीं तो सत्ता परिवर्तन करेंगे, इनको वोट के माध्यम से हम दिखाएंगे कि कैसा होता है, ये सत्ता में जो बैठ के इनको चर्बी चढ़ गई है जी। तो इनको सत्ता से उतारेंगे और जो हमारी मांगे मंजूर करेंगे और हमारे महाराष्ट्र राज्य को विकास की ओर लेके जाएंगे, हम उसी को वोट करेंगे। सत्ता की उतारने की बात आपने कर दी, मैं बता दूं कि कांग्रेस ने जो पेंशन लागू करने की बात थी वो नहीं किया, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी सरकार में अभी है वो करना नहीं चाहती, तो किसको आप विकल्प मानते हैं कि आपके तमाम मांगों को माना जाए? आएगा ना, मिनिमम है ना, BSP पार्टी है और समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, बीजू जनता दल है और बहुत से छोटे छोटे पक्ष है, वो सब मिल के बनाएंगे। ये इस देश का जो बहुजन समाज कर्मचारी जो वर्ग है बड़े पैमाने पर जो समस्याओं के अंदर में लगातार इनको डालने की कोशिश की जा रही है, क्या कहने की ये षड्यंत्र नहीं लगता सर आपको? हाँ षड्यंत्र ही है ना, षड्यंत्र ही है। क्या मंशा है इनकी, क्या 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 सोच के तहत ऐसा कर रहे? वही संविधान को बदलेंगे धीरे धीरे, संविधान के जो मूल उद्देश्य है उनको पूरा नहीं कर पा रहे और अपनी मोनोपोली लागू कर रहे ये लोग। तो यहाँ पर कर्मचारी वर्ग पूरा जद्दोजहद कर रहा है, संघर्ष कर रहा है कि किस प्रकार इस तमाम अपनी मांगों को पूरा करे, क्या बताएंगे सर कहाँ से? जिला परिषद स्कूल सीतेपार। हाँ, बताएंगे क्या क्या जरूरत है ये आंदोलन की? आंदोलन की जरूरत है ना, उम्र के 58 साल तक हम नौकरी करेंगे, उसके बाद में अगर कुछ नहीं मिला तो हम परिवार को कैसे पालेंगे, कहाँ दूसरा जॉब ढूंढने जाएंगे? तो अभी तो आपकी नौकरियाँ खत्म करने की बात चल रही, क्या बताएंगे? नहीं नौकरी तो खत्म नहीं होना चाहिए ना, अब सरकार जो प्राइवेट एजेंसी बोला गया देश के अंदर में बोला गया कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, अभी कोई रोजगार नहीं दिख रहा है, क्या बताएं? कोई रोजगार नहीं दे रही है सरकार। क्या मंशा है, क्यों नहीं, क्या क्या कारण है इनका?
अब ये इनका अंदरूनी क्या है हमें क्या पता, बताएंगे ये आंदोलन अगर सक्सेसफुल नहीं होता, आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या होगा इसके आगे? आने वाले दिन इतने बुरे होंगे कर्मचारियों के कि जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ हम इसी पेमेंट पर ही डिपेंड है। बताएंगे क्या नाम है सर, कहाँ से, क्या है आपका पोजीशन, क्या एम्प्लॉय है? महेश कटरे, मैं टीचर हूँ जिला परिषद। और ये जो बेमुद्दत संप चालू है इसमें हम भी सक्रिय तरीके से 14 तारीख से अर्थात संप के पहले दिन से ही कार्यरत है, इस संप में सम्मिलित है। और हमारी मांग यही है कि जब तक हमें पुरानी पेंशन बहाल होती नहीं तब तक हम इसी तरह संप में डटे रहेंगे। अच्छा मुझे बताइए कि ये जो देश के अंदर में निजीकरण एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, इसके चलते ये जो असर देखने को मिल रहा है पेंशन का, ये इसीलिए है कि वो चाहते हैं कि निजीकरण लागू हो जाए और जो कर्मचारी वर्ग है वो कहीं ना कहीं जो कर्मचारी वर्ग है वो अपने तमाम पदों से हट जाए, क्या बताएंगे इसको लेकर? देश में जिस तरह धीरे धीरे सरकारी नौकरियां कम होते जा रही है, सरकार वादे तो बहुत करती है रोजगार देने का लेकिन रोजगार दिया नहीं जाता, निजीकरण एक के बाद एक अलग अलग संस्थाओं में होते जा रहा है, तो ये बहुत गलत चीज़ें हैं। केवल कर्मचारियों के लिए ही नहीं बल्कि इस देश का जो गरीब वर्ग है, किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, बहुत ही मेहनत करके बच्चों को वह पढ़ाते हैं, काफ़ी सारा उन पे पैसा खर्च करते हैं, काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं उनकी कि मेरा बच्चा भी, आज मैं किसानी कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ, मेरा बच्चा भी पढ़ लिख के किसी सरकारी नौकरी में, नहीं चाहते कि हमारे जो बच्चे हैं बहुजन समाज के जो विद्यार्थी है ये शिक्षित हो पाए? निश्चित तौर पे। क्या क्या मंशा है उनकी, क्यों नहीं चाहते? उनकी मंशा से आप लोग भी वाकिफ है। मैं इसके विषय पे सार्वजनिक मंच पे कुछ नहीं कहना चाहूंगा। जी अब बताइए कि जिस तरह प्रकार ये जो पूरा आंदोलन चल रहा है, अगर ये मंशा या फिर आपका जो ये जो पूरा जो मांगे है ये पूरी नहीं होती तो क्या अगला पड़ाव होगा? पड़ाव यही है, हमारा मिशन ही है, हमारी घोषणा, हमारा स्लोगन ही है कि एकच मिशन जूनी पेंशन, आणि जोपर्यंत जूनी पेंशन लागू होत नाही तोपर्यंत आम्ही संपावर अटळ आहोत। यहाँ पर तमाम जो कर्मचारी वर्ग है ये कर्मचारी वर्ग पूरी ताकत से डटा हुआ है और बना हुआ अपनी मांग के साथ में, जैसे आपने देखा कि तमाम कर्मचारियों से हमने सीधी बातचीत है, उनका कहना है कि ये जिन मांगों को लेकर लगातार वो बने हुए हैं, अगर इन मांगे ये पूरी नहीं होती तो आने वाले समय में जिस प्रकार सत्ता की गद्दी पर जो लोग बैठे हुए हैं उनको उतारने के लिए अभी हमें तनिक भी समय नहीं लगेगा। क्या बताएंगे इस पूरी बातचीत को लेकर, क्या आपकी प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।